नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इलेवन और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। आइए फटाफट अंदाज में देखते हैं प्रदेश की 10 बड़ी खबरें। लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर सिवान में प्रशासन सख्त हो गई है। इस दौरान जिन लोगों ने लॉकडाउन का उल्लंघन किया, पुलिस ने उन्हें उठक बैठक कराकर चेतावनी देते हुए छोड़ दिया। साथ ही पुलिस ने लोगों से आग्रह किया कि लॉकडाउन का पालन करें और अपने घरों में रहें, स्वस्थ रहें। उड़ीसा में मजदूरी करने गए दर्जनों मजदूरों ने सरकार और जिला प्रशासन से बचाने की गुहार लगाई है। इस दौरान मजदूरों ने एक वीडियो जारी कर 3 दिनों से भूखे और प्यासे होने की बात बताई है। साथ ही उन्होंने कहा कि उनके पास पैसे भी नहीं है। आपको बता दूं कि मजदूरों ने उड़ीसा के कटक और ढेकानाल में फंसे होने की बात बताई है। देश भर में लॉकडाउन की घोषणा के बावजूद लोग सरकारी आदेशों का खुलेआम धज्जिया उड़ा रहे हैं। ताजा मामला जमुई जिले के सिकंदरा प्रखंड का है, जहां बाजारों में खरीदारी को लेकर सैकड़ों लोगों की संख्या में लोग इकट्ठा होकर सिकंदरा बाजार चौक पर भारी भीड़ के साथ सब्जी मंडी में सामान खरीदते नजर आए। कोरोना वायरस के महामारी से निपटने के लिए बेतिया में जदयू नेता एनएन शाही ने मुख्यमंत्री राहत कोष में लगभग 4 लाख की राशि दान किया। साथ ही उन्होंने लोगों से इस नेक काम के लिए आगे आने की भी अपील की। कोरोना वायरस को देखते हुए पूरे देश में लॉकडाउन किया गया है, जिससे प्रतिदिन मजदूरी करके खाने वालों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिसको देखते हुए रालोसपा नेता बब्बन यादव ने गरीबों में राहत सामग्री बांटी। राजधानी पटना के कॉमर्स कॉलेज में बाहर से पलायन कर आए लोगों के लिए रहने और खाने का व्यवस्था कराया गया है। वहीं पटना के शहरी क्षेत्र में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पहल पर जिला प्रशासन की ओर से यहां आवासन शिविर को स्थापित किया गया है, जहां दूसरे राज्य और जिलों से आए हुए आश्रितों को रहने और खाने की पूरी व्यवस्था दी जा रही है। जिले के ठाठा गाँव में भीषण आग लगने की खबर है। यहां आग लगने से एक दर्जन से भी ज्यादा घर जलकर राख हो गए। वहीं लोगों ने बताया कि खाना बनाने के दौरान यह आग लगा, लेकिन हैरानी तो तब हो गई जब सूचना पर दमकल की गाड़ियां तो पहुंची, पर पहले से ही मोटर खराब होने के कारण आग पर काबू नहीं पा सकी, जिसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने दमकल को वापस लौटा दिया और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बेतिया जिला अंतर्गत मधौलिया थाना क्षेत्र के जौकटिया में अचानक आग लग जाने से कई घर जलकर खाक हो गए। इसमें बताया जा रहा है कि लाखों की संपत्ति के साथ साथ एक बकरी और एक भैंस भी जल गई हैं। वहीं मुखिया के द्वारा घटना की सूचना देने के बाद अंचलाधिकारी ने पीड़ितों को हर संभव सहायता देने की बात की है। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए पश्चिमी चंपारण जिला के मझौलिया थाना क्षेत्र के डुमरी पंचायत में जागरूक लोगों ने अपने सहयोग से पूरे गाँव में ब्लीचिंग का छिड़काव कर गाँव को सैनिटाइज कराया। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले ही महनवा पंचायत में पहली बार ग्रामीणों ने आपसी सहयोग से छिड़काव किया था, जिसे देखते हुए डुमरी पंचायत के मुखिया सोनू राय ने के साथ साथ मनीष कश्यप और धनंजय तिवारी ने अपने अपने पंचायत में छिड़काव कराने की बात की। अरवल जिले के कुर्था प्रखंड क्षेत्र के हरेक पंचायत में वार्ड वार्ड में जाकर कोरोना वायरस की महामारी को ग्राम रक्षा दल के जवानों ने जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया। यहां दलपति और ग्राम रक्षा दल के जिला अध्यक्ष शैलेश कुमार सोनू ने बताया कि सरकार द्वारा चलाए जा रहे कोरोना वायरस की महामारी के अभियान को सफल बनाने के लिए हर पंचायत के वार्ड वार्ड में जाकर प्रचार प्रसार किया जा रहा है, ताकि लोगों में जागरूकता फैले। इधर अलवर जिले के कुर्ता प्रखंड के प्रतापपुर विद्यालय में आपदा राहत केंद्र खोला गया है, ताकि बाहर से आ रहे लोगों को रखा जा सके। वही राहत केंद्र को मुख्यमंत्री के तरफ से हर जिले में लगाया गया है और राहत केंद्र पर बाहर से लोगों को खाने पीने और रहने की पूरी व्यवस्था की गई है। तो खबरों में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहे न्यूज़ 11 के साथ। नमस्कार। बिहार और झारखंड की तमाम खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।